वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम सीबीसी की रिपोर्ट्स के बारे में पूछ रहे थे। तो सीबीसी जो टेस्ट है उसका क्या फायदा होता है, वो होता क्या है, डॉक्टर्स क्यों कहते हैं करवाने के लिए, ये हम बात पूछेंगे डॉक्टर साहिमा से और इसके बाद ये हमें जवाब देंगी स्वाइन फ्लू के बारे में भी, उस टेस्ट के बारे में भी हम पूछेंगे, हिसाब के बारे में पूछ रही थी मैं। तो खैर मुझे पैसों का नहीं पूछना है कि उसमें कितने पैसे लगते हैं। डॉक्टर साहिमा, सीबीसी टेस्ट डॉक्टर्स जब कहते हैं करवाने के लिए तो क्यों कहते हैं? देखिए, सीबीसी बेसिकली इसलिए होता है कि कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल एक आपको मिल जाती है कि ब्लड में क्या क्या इन्फेक्शन है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपकी हीमोग्लोबिन कितनी आ रही है, ESR अगर रेज्ड है तो वो इन्फेक्शन का साइन होता है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ये बातें जो मैं कर रही हूँ आप लोगों को नहीं समझ आएंगी। हाँ, तो ब्लड एक ऐसा टेस्ट होता है सीबीसी का कि वो कंप्लीट एक ब्लड पिक्चर दे देता है कि ब्लड में आपके क्या चीज गलत चल रही है। दूसरी बात ये है कि स्वाइन फ्लू के हवाले से जो आपने पूछा कि इसके टेस्ट, तो इसके टेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली जो आपकी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसकी सैंपलिंग लेके उसके टेस्ट होते हैं। मतलब जैसे रनी नोज है तो वो एक नर्स आपके नोज से स्वैब लेगी जी, मतलब ठीक है, रनी नोज से। और अगर आपको कफ हो रही है या तो आपके ओरल से, मतलब जबान से भी एक स्वैब लेना पड़ता है, ठीक है, एक टेस्ट होने के लिए। मतलब जो सिक्रीशंस आपकी हो रही होती है मुंह की और नाक की, उसका एक टेस्ट होता है स्वाइन फ्लू के लिए। और उससे बचने के लिए जो है वो दो एंटीवायरल ड्रग्स हैं जिसके जो के दी जाती हैं। लेकिन स्वाइन फ्लू ज़्यादातर मोस्टली केसेस में ड्रग्स की नीड नहीं पड़ती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं उससे सही हो जाता है। लेकिन अगर बहुत सीवियर केसेस हो गए तो उसमें एंटीवायरल ड्रग देनी पड़ती है और प्रिवेंशन के लिए आपको ALD फ्लू की वैक्सीन लगानी पड़ती है। ठीक है, ये सारी चीजें जरूरी हैं कि मतलब अगर ये कर लिया, मतलब कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, तो मतलब आपको प्रिवेंट करना ही पड़ता है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो आजकल जनरल बीमारियां, एक तो स्वाइन फ्लू, तो ये तो हम बहुत ज्यादा इस पे आया हुआ है ना, हाईलाइट हुआ है, जाहिर सी बात है अभी अमवातें हो रही है, इसकी वजह से आपने कहा कि बहुत ज्यादा डेडली हो सकता है वो, इस वजह से कि जब पता ना लगे और ये डायग्नोस जल्दी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो क्योंकि पाता? इसके सिम्टम इतने, देखिए जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ कि कफ है, किसी को फ्लू है, फीवर हो रहा है, फटीक, बॉडी एक हो रहा है कि मेरे जिस्म में दर्द है, हम जैसे आम लोग भी यही बात बोलेंगे कि ये यार वेदर की वजह से हो रहा है, वेदर चेंजेस है, तो पता नहीं चलता है। और वैक्सीन, यहाँ मैं आप आयशा बैठे हैं, हम में से हमारी फैमिली में से कितने लोग वैक्सीन करवाते होंगे? नहीं, हमारे तो कोई नहीं करवाता के नहीं कराते ना। बच्चों के जो एक प्रोग्राम है EPI का, वो करवा लेते होंगे, उसके अलावा कोई एडिशनल वैक्सीन नहीं करवाते, मेजोरिटी जो है हमारे यहाँ की नहीं करवाती। जबकि बाहर के मुल्कों में आप देखें तो वो इतने ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं हर चीज के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, कि वो पर्टिकुलर वैक्सीन, जैसे ही मौसम सीजन शुरू होता है वो वैक्सीन उनकी होती है, हर चीज के रूटीन के चेकअप होते हैं। यहाँ जब तो उनकी हेल्थ भी देखे ना, हेल्थ अच्छी होती है, बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो खाते भी अच्छा है, फिर अपनी सेहत का ख्याल भी रखते हैं। हम ना ही अपनी डाइट पे प्रॉपर ध्यान देते हैं, ना ही हम अपनी सेहत पे देते हैं। ईयरली हम लोगों में से कितने लोग होंगे जो अपना चेकअप प्रॉपर करवाते हैं, कि पूरा फुल बॉडी चेकअप करवा रहे हैं, सारे टेस्ट करवा रहे हैं, नहीं करवाते। और भी कहते हैं कि 6-8 माह के बाद आपने टेस्ट करवाना होता है, ब्लड टेस्ट करवाना है, जैसे नॉर्मल एक आपने सीबीसी की टेस्ट का बताया, सीबीसी के टेस्ट होते हैं, रूटीन के यूरिन टेस्ट होते हैं, बहुत सारे इस तरह के टेस्ट होते हैं जो कि आप करवाते हैं काफी सारी चीजों में, कि मलेरिया हो गया है तो मलेरिया का एक वो भी ब्लड टेस्ट होता है, मलेरियल पैरासाइट का MP टेस्ट, टाइफाइड के लिए होते हैं विडॉल टेस्ट, तो बहुत सारे इस तरह के टेस्ट होते हैं जो कि ब्लड से रिलेटेड। कभी किसी को टाइफाइड अगर हो गया हो तो और वो बिल्कुल भी ठीक है, तो उसको कितने मंथ्स के बाद या साल के बाद फिर दोबारा से टेस्ट करवा लेना चाहिए कि कुछ रह तो नहीं गया अंदर बॉडी में? नहीं, जब एक दफा आपके टेस्ट डॉक्टर करवा लेता है, क्योंकि वो टाइफाइड के भी टेस्ट काफी टाइम के बाद करने होते हैं, क्योंकि कुछ ये है बीमारियां कि उनका लाइफ स्पैन होता है अंदर जाके बैक्टीरिया को या वायरस को डिविजन का, उसके बाद वो टेस्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। जैसे अभी आपको लग रहा है कि जैसे स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू का भी 10-14 days का लाइफ स्पैन है, कि अगर कोई बंदा आज इन्फेक्टेड हुआ है तो उसके अफेक्ट और साइन एंड सिम्टम आपको 14 days के बाद उस बंदे में नजर आएंगे। ओहो, अच्छा अच्छा, क्योंकि फिर वो बॉडी में जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम के बाद करवाने होते हैं, और प्रॉपरली वंस आपने अपना टेस्ट कर लिए, डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया, आपको उसके लिए एंटीबायोटिक्स और सब दे दी, तो फिर आप ठीक हो जाते हैं, फिर जरूरत नहीं होती। बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें जरूरत होती है कि दोबारा टेस्ट कराने की। अच्छा जी, ठीक है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है आपसे हमें, और साथ साथ आप लोगों ने कॉल भी करनी है 02135890271 पे,
और पूछें स्वाइन फ्लू के बारे में। डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे बचने का क्या तरीका है, इसका इलाज क्या होता है। इसके साथ ही साथ आयशा से पूछना चाहूंगी मैं कि आजकल के ट्रेंड्स का पूछ रही थी, क्योंकि सुबह सर्दी, रात में सर्दी, दोपहर में बहुत गर्मी। अब अगर सुबह सुबह कहीं जाना हो किसी ने, अच्छा पता है क्या, एक चीज मुझे याद आ गई बड़े ही मजे की। सुबह जब मैं ऑफिस आ रही होती ना, मैं शॉल या स्वेटर में आ रही होती हूँ, फिर जब थोड़े से थोड़ा रास्ता कवर होता है तो मुझे लगता है कि मतलब क्या मैं स्टुपिड हूँ, मैंने क्यों पहना था, मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि धूप निकल आती है और गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ऐसे मौसम में किस तरह के कपड़े आप लोग सजेस्ट करते हैं? वैसे तो कुर्तियाँ इन हैं और आप उसको शॉल के साथ ले लेते हैं, लेकिन रिसेंटली हम लोगों ने कुछ डिजाइन्स बनाए जी, फ्रेंच फ्रॉक्स, जो कि फुली आपका फ्लेयर्ड प्लेटों से फ्रेंच स्टाइल होता है वो एक, ठीक है। ये मोटी लड़कियां कैसे पहनेंगी? और ये मोटी ही लड़कियों के लिए है, वैसे बोलना नहीं चाहिए लड़की को कभी। नहीं नहीं, थोड़ी मोटी लड़कियों की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है, मतलब माशाल्लाह जो सेहतमंद है उन्हीं के लिए इसको डिजाइन किया है। प्लेट्स की वजह से उनका जो कट है वो भी मेंटेन रहता है और नीचे फ्लेयर भी आ जाता है, तो वो हमने एथनिक प्रिंट्स में, प्रीत प्रिंट्स में, शिफॉन्स में, रेशम में वो डिजाइन किया है, जिसमें आपका जो पेटी साइड है वो प्लेन में है और नीचे आपका जो फ्लेयर है वो प्रिंटेड है। तो वो मोटी लड़कियों के लिए ही क्यों बनाया आप लोगों ने, मतलब जो हेल्दी होती हैं? नहीं, ये बेसिकली दोनों के लिए है, बट ये हेल्दी पे भी माशाल्लाह सूट करता है क्योंकि हाँ। जो मतलब जो स्लिम बॉडी वाली होती है ना, उनका तो इतना इश्यू नहीं होता है। जैसे क्या आयशा क्या करती हैं आप, मतलब योगा वगैरह, डाइट क्या क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं करती, नेचुरली है, और बहुत ज्यादा ही होते काम, बहुत होते स्टडीज, स्ट्रेस होता है, वॉक बहुत होती है, स्ट्रेस से भी तो लोग वीक हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग स्ट्रेस में खा खा के मोटे हो जाते हैं, बहुत खाती हूँ, बहुत होटलिंग करती हूँ, और जो जितना खाता है ना उसका मेटाबॉलिज्म इतना ही तेज होता है। सॉलिया ये बात है, अगर जो डाइटिंग करते हैं ये बताऊंगी, हम बोलते हैं क्योंकि मेरा भी अपने बेबी के बाद वेट काफी पुट ऑन हो गया है जी, तो मैं भी बोलती हूँ कि चलो मैं डाइटिंग करूँ, लेकिन ये कि जब आप डाइट छोड़ते हैं तो आप और ज्यादा हेल्दी होते हैं। डाइटिंग अगर आप प्रॉपरली डाइट प्लस एक्सरसाइज सब कुछ कर रहे हैं तो आपका वेट कम होगा। ये सिर्फ कि पूरा दिन मैं कुछ नहीं खा रही, पूरा दिन कुछ नहीं खा रही, फिर रात में डट कर खाना है। हाँ, फिर एट टाइम ऐसा आता है कि उस दिन नहीं खाया, दूसरे दिन नहीं खाया, तीसरे दिन आप ऐसा टूटेंगे बस खाना खाते रहेंगे। तो जितना लोग खाते हैं उनका अंदर मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट चलता है, उतनी कैलोरीज बर्न होती है, जितना लोग चलते हैं उतना उनकी कैलोरीज बर्न होती है। तो जितना एक्टिव लोग होते हैं खाने में, पीने में, सब चीज में, वो आप देखें वो सही रहते हैं। तो आयशा खाती भी ज्यादा है, चलती भी ज्यादा है, मतलब ये बड़ा ही अच्छा हो गया आपके लिए। सिर्फ माशाल्लाह सालिया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है। अच्छा, मुझे शर्म आ रही है भाई, बहुत यार मैं स्मार्ट हूँ बट मैं पतली नहीं हूँ, दुबली नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ? बस अब अच्छा फिगर है तो इतना होना चाहिए कि आप बिल्कुल कम भी ना लगे और बहुत ज्यादती भी बहुत बुरी लगे। हाँ, ये तो परफेक्ट है, और माशाल्लाह आप इतने कॉन्शियसली क्वेश्चन कर रही हैं, इसलिए मैंने कहा बिल्कुल कॉन्शियस ना। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है आशा, तो किस चीज पे ज्यादा काम कर रही है इस फ्रॉक के अलावा? फ्रॉक्स के अलावा एज मैंने आपको बताया था कि मेरे पास फैंसी वैरायटी होती है ब्राइडल्स में, जी जी। तो ब्राइडल्स पैकेजेस चल रहे हैं जबकि सर्दियां हैं, लेकिन लोग फोन कलर, पीच कलर, किशमिशी कलर, ये लाइक ज्यादा कर रहे और बनवा रहे हैं। क्यों? कुछ रीजन नहीं पूछा आपने? हाँ पूछा। हाँ। उन्हें सॉफ्ट लुक देने का ज्यादा एक वो होता है क्रेज गर्ल्स को भी, और कुछ आंखों को अच्छा लगता है, अवेयरनेस आ गई है कि नहीं यार बहुत सी ग्रीन ब्राइट कलर पहनेंगे तो इतना शार्प आप लगेंगे। तो मेजॉरिटी ना सॉफ्ट कलर्स पे काम कर रही हूँ, उस पर स्टोन्स वर्क जितना ज्यादा भी हो वो बहुत भरा हुआ नहीं लगता, फुली आप उस पे काम कर रहे हैं, जितने स्टोन्स लगवा रहे हैं वो फील नहीं होता कि बहुत काम है। बट ऐसा ऐसा भी तो होता है ना, जो सास अम्मा होती हैं या अपनी अम्मा होती हैं, उनको ये शौक होता है कि मेरी बेटी 12 दिन रेड पहने, रेड या मरून पहने, वो तो बिल्कुल। तो कुछ करते हैं आप लोग उसमें कॉन्ट्रास्ट या फिर कुछ डार्कर लाइटर टोन वगैरह होता है? हम लोग शर्ट के साथ खेलते हैं, मतलब शर्ट हम मरून्स में या रेड्स में ले रहे हैं, तो शरारा या गरारा जो हमारा ऑप्शनल है, या टेल है, आजकल टेल्स बहुत इन है, तो टेल्स हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं करते तो बॉर्डर में थोड़ा डार्केस्ट दे देते हैं कि उनकी विश पूरी हो जाए। अगर कंप्लीट रेड का लुक बनवाते हैं तो रेड नो डाउट बहुत अच्छा लगता है, बट हम उस पर इतना वर्क नहीं करते कि वो रेड कैरी
ना कर सकें, उसका थोड़ा लाइट स्टोन्स में, कुछ मिक्सअप में, थोड़ा डल स्टोन, आजकल एंटिक वर्क जो चल रहा है, एंटिक के साथ उसको टेल्स हम लोग बना के देते हैं, तो मुझे लगता है कि रेड कलर भी खैर अच्छा लगता है। रेड कलर किसका किसका फेवरेट है? मेरा तो ना पूछे, मेरा बहुत है। वैसे मेरा भी बहुत फेवरेट है रेड कलर, तो क्योंकि ब्राइड जो है ना वो आप चाहे जितने भी सॉफ्ट कलर पहना लें, लाइट कुछ कलर भी पहना लें, जो रेड में अगर ब्राइडल वीक भी होता है, आप देखिए कि अगर काफी थीम रखी हुई होती है उन्होंने या कोई अलग अलग कलर्स भी पहने, रेड जो है अट्रैक्ट आपको वही वाली ब्राइड करेगी जिसने रेड पहना है। सही। चाहे रेड में जैसे आयशा ने कहा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन रेड कलर की अपना एक चार्म होता है। बिल्कुल, और जब आप लोग कोई बुलाऊंगी ना तब भी आप लोग रेड में आएंगे। वैलेंटाइन के लिए रेड कुर्तियां बहुत सारी डिजाइन की है, क्योंकि वैलेंटाइन ज्यादातर हमारे यहाँ टीनएजर्स सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि वो कोई भी कर सकता है यार, मैं तो कहती हूँ मतलब क्या कहना है, ज्यादा खुशी उन्हीं को होती है। मुझे अच्छा क्या लगता है कि शादी के बाद अक्सर जो फीमेल्स रेड कलर सुबह सुबह पहनती हैं ऑन वैलेंटाइन डे, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक लाइवली लुक देते हैं। इनफैक्ट मेरी भाभी पहनती है और ऐसा लगता है कि आप खुश हो, हैं? बिल्कुल। सायमा आपने क्या पहना था अपनी बारात में? मेरी बारात में मेरा रेड कलर था, लॉन्ग शर्ट के साथ और फ्रेल वाली वो लहंगा, पूरा लहंगा रेडी था और इस पे स्टोन वर्क ही हुआ हुआ था। किसकी पसंद थी सायमा, आपकी या आपकी अम्मी की? नहीं, मेरी इन-लॉज से आया था, मेरी सास और हस्बैंड की। ऐसा होता है ना, जितनी भी माएँ होती हैं वो अपनी हो या फिर सास अम्मा होती हैं, तो उनको पसंद ही होता है कि मेरी बहू बेटी जो है ना वो रेड पहने। कलर मुझसे पूछ लिया था, कलर मैंने बता दिया। अच्छा, इस तरह वाला रेड चाहिए। सही। तो वो अच्छा, रेड में भी तो बहुत सारे शेड्स होते हैं। टी रेड, ऑरेंज रेड, टोमेटो रेड, ब्लड रेड, ब्लड रेड जो है ना बहुत ही डेंजर कलर है। अच्छा, कहते हैं ना उस दिन पता है मैं कुछ पढ़ रही थी तो मुझे बड़ी हंसी आई उस टाइम। कहने लगे कि दूल्हा जो होता है ना वो देखता है कि डेंजर साइन है डेंजर कलर्स के सामने, बट वो हंसी खुशी हमेशा एक्सेप्ट कर रहा होता है, जबकि दिखाया जा रहा था कि लाल झंडा जो खतरे की निशानी है उसके बावजूद। अच्छा जी, तो रेड कलर दोनों को पसंद है। ओके, वैलेंटाइन में क्या पहन रहे हैं आप लोग? अभी लिया नहीं, अभी नहीं लिया है, आयशा के पास जाकर परचेज करना है। आयशा से लेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों ने काफी सारे डिजाइन किए हैं और इंशाल्लाह। क्या क्या डिजाइन किया है आयशा आपने? यार हम लोगों ने कुर्तियां भी डिजाइन किए हैं, कोट्स भी डिजाइन किए हैं, आजकल पाउची शर्ट्स चल रही हैं, पाउची शर्ट्स भी बनाए। अच्छा, पाउची शर्ट जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत पसंद आया, बट वो बिल्कुल भी आयशा के फिगर वाली लड़कियों के लिए है, इसके अलावा दूसरी नहीं पहन सकती हैं। और वो पाउची शर्ट भी मैं उतार कर आई हूँ, मैंने देखा और मुझे लगा मैं पूरी वैलेंटाइन लग रही हूँ, इसको साइड अभी नहीं पहनना है। पता है क्या, क्योंकि वो पाउची शर्ट में ना उसकी जो चॉक्स हैं बहुत मतलब छोटे छोटे से हैं, तो मुझे लगता है कि यार ये मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। क्या साल है, ऐसे ना बोला करो, पर सब बहुत अच्छा लगता है। अगर फीमेल जो है वो हेल्दी हो कि स्लिम हो या ओवर हेल्दी मतलब हो, अगर आपने ऐसी चीज पहनी है कि आप कैरी कर रहे हैं और आपने कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो पहना है और मैंने जो कैरी किया मैं अच्छी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, तो वो अगर आपने अपने आप को खुद ही एस्टिमेट कर दिया नहीं यार मैं दुबली थी, तो कभी कभी मुझे भी होता है नहीं मैं दुबली पहले दुबली हुआ करती थी तो बहुत अच्छा लगता था, अब नहीं लग रहा, तो वो हम अपने साथ ही ज्यादती कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग अभी भी बोलते हैं नहीं आप हेल्दी हो, हेल्दी होके भी अच्छे लग रहे हैं, स्लिम होके भी अच्छे लग रहे हैं, तो हर एक का हेल्दी तो नहीं है यार, ठीक है इतनी बॉडी होनी चाहिए कि अपना एक होता है कि हम खुद को कैसे कैरी कर रहे हैं, कैरी करना बेसिकली होता है, वरना मैं लोगों को देखती हूँ अच्छी बॉडी होती है स्लिम बॉडी होती है लेकिन उनको कैरी करना ही नहीं आ रहा होता है, तो उन्होंने पहना होता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है, अच्छे कपड़े सूट नहीं करते। और आपने भी देखा होगा आयशा, आपने भी बहुत ज्यादा देखा होगा, जैसे शादियों में बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है कि बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े पहनकर रहती है, बट वो साइड में जगह बैठी हुई कॉर्नर पे, मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। और कुछ ऐसी भी होती, कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं, सिर्फ लड़कियों को नहीं कह रही, क्योंकि जब मर्द हजरात देखते होंगे ना मेरा शो रिपीट में, तो कहते होंगे सालिया सिर्फ खवातीन और लड़कियों पे रहती है, मतलब हम भी तो कपड़े पहन रहे होते हैं ना, मतलब हमारी बॉडी भी तो स्लिम होनी चाहिए ना। नहीं वैसे लड़कों की बॉडी मैंने देखा है कि फीमेल से ज्यादा स्लिम ही होती है, लड़के जो टीनएजर ग्रुप ये 25-30 तक भी लोग जो हैं लड़के स्लिम ही रहते हैं, उनकी बॉडी में लड़कियां जो टीनएजर्स होती है ना वो भी मोटी हो जाती हैं, है। बाज मतलब यार स्कूल गोइंग लड़कियां जो 7-8 क्लास की हैं वो भी हेल्दी हेल्दी, और ऐसा लगता है कि यार बिलीव मी बहुत अफसोस होता है, मतलब बड़ी बड़ी लगती है कि इंटर कॉलेज की लड़कियां हैं। मैं इत्तेफाक करूंगी इस बात से कि आजकल 9th और मैट्रिक की जो गर्ल्स हैं
वो बहुत बड़ी लग रही होती है अपनी एज से, वो ग्रेजुएट स्टूडेंट लग रही होती है, वो मास्टर्स की लग रही होती है, जबकि जब उनसे पूछो आई मीन ओ लेवल्स ए लेवल्स तो बड़ा शॉकिंग होता है. कुछ उसकी वजह ये है, मतलब मैं एक अपनी राय दूंगी कि रात को जो हम लोग जंक फूड्स ले रहे हैं, हाँ. बच्चों में ये नगेट्स और इस तरह की बहुत सी प्रिजर्वेटिव फूड्स आ रहे हैं, ये खाने लगे हैं, वो खाकर सो जाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होता, सुबह उठते हैं तो स्कूल में भी आपके 3 आवर्स आप बैठे रहते हैं, उससे एक बॉडी खुद से फूलना शुरू हो जाती है, जहां तक ये मेरी ऑब्जर्वेशन. जैसे डॉक्टर सायमा ने भी बताया था कि जितना हम इंटेक करें उतना बर्न करें. बच्चों में ये होता है कि माओं की सबकी ये होती है, मेरा बच्चा खाता नहीं है इसको ठूसो इसको. अब वो जो बच्चे हेल्दी होते हैं, जैसे कि जो कमजोर बच्चे हैं उनको सही होता है कि उनको ठूसना चाहिए, लेकिन जो हेल्दी बच्चा होता है उसके आप बचपन से खिलाते रहो फिर एक काउच पोटैटो कहते हैं हम कि बैठे बैठे बस वो खाता ही रहे हिलजुल नहीं कर सकता. तो ये होता है कि माओं को बड़ा शौक होता है बच्चों को मोटा करने का, फिर वो एक जो हैबिट बन जाता है बचपन से कि वो पिज्जा ज्यादा खा रहे हैं, चीज ज्यादा खा रहे हैं, चीज का इंटेक बहुत होता है बच्चों में, उनको पिज्जा और चीज वाली चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, उसी से वेट गेनिंग जो शुरू होती है फिर आगे जाके इनकी ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, वो फिर बेचारे नहीं कर सकते हैं. हमारे इस्लाम में था ना कि इशा और मगरिब के दरमियान आप खाना खाएं और आधा घंटा वॉक करें, नमाज पढ़ें ताकि आपकी पूरी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है ना इशा की नमाज से, उसके बाद थोड़ा आप स्टडी करें या जो भी करें, 10 बजे तक सो जाएं. लेकिन अब क्या होता है, वो चाहे 5 क्लास का बच्चा हो या बड़े हो, मतलब मास्टर स्टूडेंट्स हो, वो रात 2 बजे पढ़ते हैं, फिर बड़े बड़े कप्स वाली चाय पीते हैं, चिप्स भी खा रहे होते हैं, कॉफी भी पीते हैं, कॉफी भी पी रहे होते हैं, कप वाली कॉफी, और फिर सुबह उठ के कहते हैं यार वेट पुट ऑन हो रहा है, फिजिक खराब हो रही है, मतलब क्या करूं रीजंस आप खुद. फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, फिर आप जॉगिंग करते हैं. तो मुझे लगता है कि पहले प्रिकॉशन करनी चाहिए. हमारी अम्मी बहुत डांटती थी, हमारी अम्मी 9 बजे के बाद हमें बिल्कुल नहीं खाने देती थी कुछ जो आज मुझे लग रहे जब भी ये मतलब माँ को दुआएं दिया करें. कुछ लोगों की बॉडी सॉलिया, जैसे कुछ लोग होते हैं हेल्दी बॉडी, कुछ लोगों की फिजिक मतलब फैमिली में ही रन कर रही होती है, कुछ बिल्कुल दुबले हैं, शादी बच्चे उनके बाद भी दुबले, उनकी अम्माएं भी बच्चियां भी सब कुछ, और कुछ की फैमिली होती है कि जैसे मदर भी हेल्दी हो गई है तो बस वो हेल्दी लोग होते हैं, और लड़कियां भी मतलब अनमैरिड है तो तब भी वो हेल्दी हैं, फिर शादी वादी हो गई आगे तो फिर और वो हेल्दी हैं, तो कुछ लोग हेल्दी होते हैं. अच्छा शादी के बाद ना हमारे यहाँ लड़कियां अचानक से मोटी हो जाती है. हार्मोनल चेंज आता है शादी के बाद. अच्छा हार्मोनल चेंज आता है तो बहुत सारे लोग शादी के बाद भी चेंज नहीं होते, नहीं जैसे होते कि मेरा वेट थोड़ा टाइम बढ़ा फिर मेरा वेट अपने उस पे आ गया था, बिल्कुल वैसा ही हो गया था. लेकिन ये कि शादी के बाद बहुत लोगों का एकदम से 10 kg भी बढ़ते हुए मैंने अपनी फ्रेंड्स का वेट देखा है, वो हार्मोनल चेंज होता है कि हार्मोन थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, और शायद अपनी केयर नहीं करती हैं खाने पीने में कोई शादी में दावतें भी तो फिर चल रही होती है ना जी. फिर वो महीना 2 महीना तो वो खोर में बिरयानी से नहीं हट रहे होते हैं, फिर खा भी रहे होते हैं सब. तो ये कि बेसिक जो वजह होती है वो हार्मोनल चेंज होती है. फिर जब बच्चा होता है डिलीवरी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपके ईटिंग इनपुट भी ज्यादा होता है, फिर हार्मोनल चेंज पूरा होता है एक बॉडी में, एक फीमेल की बॉडी में पूरा चेंज आता है पूरे इसकी बॉडी में. जब वो एक बेबी को बर्थ ज्यादा है ना कि अब मैं कमजोर हो गई हूँ या मुझे बेबी को बर्थ देती है तो उसकी पूरी बॉडी में चेंज होता है, उसकी सिर्फ हार्मोन्स नहीं उसके दिल दिमाग हर चीज पे उसका असर होता है. अच्छा अच्छा तो फिर उसको मेंटेन करने में या अपनी जगह पे वापस आने में 2 साल 2.5 साल का टाइम लगता है, जब तक वो खा पी के मतलब 2 साल, हाँ 2 साल 2.5 साल में के बाद फिर उसके लेवल सारे आधे होते हैं, क्योंकि मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है अपने बच्चे के लिए, मतलब उसकी नाइट्स भी प्रॉपर नाइट्स नहीं होती, स्लीपलेस नाइट होती है कि रात में 2 से 4 दफा उसको उठना पड़ता है. तो उसके बाद जब बच्चा 2.5 साल का होता है, फीडिंग छोड़ता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर वो बॉडी फीमेल की भी एक अपनी जगह पे जाती है. और जिस तरह डॉक्टर साहब आपने बताया कि रात में नींद पूरी नहीं होती है, तो मैंने ये सुना कि नींद पूरी ना लेने से भी मतलब ये लोग मोटापे का शिकार होते हैं, खवातीन है अक्सर. नींद ना लेने से मोटापा होता है, और आपको एक चीज बताऊं कि जो लोग पानी ज्यादा नहीं पीते, डिहाइड्रेशन भी वन ऑफ द कॉज ऑफ ओबेसिटी, कि डिहाइड्रेशन से भी मोटापा होता है. आप पानी कितना पीते हो? मैं बहुत पीती हूं पानी. बॉटल होती है और एग्जीबिशंस मेरी बहुत होती है,
तो जहाँ भी हो मतलब पूरे पाकिस्तान में हम लोगों की क्लॉथिंग एग्जीबिशंस होती हैं, तो पानी हमेशा मेरे साथ होता, नहीं होता तो मैं मंगा लेती हूँ, अवेलेबल होता है मेरी टेबल पे। प्याज ज्यादा लगती है या मतलब पीपी कर अब आदत हो गई है? पीपी की आदत हो गई है, प्याज भी बहुत लगती है। और डॉक्टर साहब आप? मैं भी बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ, बल्कि मैं रात को उठ के पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ, रातों को उठ उठ के मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि बच्चा बार बार उठता है रात में थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो वो नींद खराब होती है, तो वो मुझे पानी पीना होता है, बस यही काम होता है मेरा कि मैं पानी लूं। स्किन को फ्रेश रखने का भी तो ये एक ट्रीटमेंट है कि आप प्रॉपर तरीके से पानी पिए तो आपकी स्किन भी बहुत फ्रेश रहे। और घर में भी मेरी बॉटल मेरे साथ ही होती है कि मेरी बॉटल मेरे पास ही पड़ी है, मैं टीवी देख रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, तो बस बार बार पानी ले रही हूँ उसका, सही। ले रही हूं। और खाना 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 नहीं, ज्यादा खाना नहीं, खाना टाइम पे, ये बहुत अच्छी बात है, खाना टाइम पे, क्रेविंग भी इन बिटवीन नहीं होती। सही, ये मतलब होता है ना कि जब टीवी देख रहे होते हैं हम चिप्स खा रहे हैं और फिर बिस्किट से बहुत सारी ऊट पटांग चीजें होती हैं, जो तीन बार जो खाना है वही खाना है डिनर, वो यार अब डॉक्टर होने के नाते भी अगर ये ना किया जाए, मतलब कहते हैं ना कि जो ब्यूटी एक्सपर्ट होती हैं अगर वो खुद अपनी केयर ना करें दूसरों को बताए तो क्या फायदा है, कुछ भी नहीं है। जी आप पानी पी सकती हैं? नहीं नहीं, वो पानी यूं किया ना डॉक्टर साहब, मैं आपने कहा जी ब्यूटी टिप्स की बात की, मैंने देख लिया हमारा पानी ऐसे ही पड़ा है, सोलिया का खत्म हो गया। मैं वैसे एक डिस्कस करूंगी, मैं एक पार्लर में गई जी एज ब्यूटिशियन, जहाँ उनकी वो एम्प्लॉयज थी, वो कुछ आई प्लगिंग जो कर रहे होते हैं वो थ्रेड से करी थी, उसके नेल्स बहुत बड़े बड़े थे, एंड आई एम शॉक्ड कि आपको ये कट होने चाहिए, और वो बहुत अच्छा फेम पॉलर था, तो मैं कंप्लेन किया, तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे लगता है ख्याल रखना चाहिए, हाँ, कि आप जिस फील्ड से जिसमें काम करें उसमें वो चीज का ख्याल रखें, जैसे डॉक्टर है इन्होंने आपने बात की कि अपना फिजिकल इसीलिए ज्यादा ख्याल रखती हैं कि बिला वजह का फूड ना लें, सही। तो जब कुछ आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ख्याल रखना चाहिए इन चीजों का। नहीं, ये सही कह रही है नेल्स का, क्योंकि हम जब डॉक्टर बन रहे थे तो हमें भी ये कहा गया था आपने पेशेंट के करीब होना है, आपके नेल्स कटों, और इवन के अभी भी मेरे नेल्स कट ही हैं, तो नेल्स बड़े रखने का शौक मुझे बहुत होता था, तो अब नेल्स कट ही होते हैं क्योंकि बच्चों से आप डील कर रहे होते हैं, फीमेल मतलब आपके पेशेंट बच्चे हैं, बड़े हैं, आप उनको ब्लड प्रेशर ले रहे हैं या उनको चेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके हाथ जो है उनको लग रहे हैं, तो आपके नेल्स भी कट होने चाहिए, कोई ऐसी चीज भी पहनी हुई ना होनी चाहिए जो आपके पेशेंट को लगे, तो इन चीजों का ख्याल पार्लर में नहीं हर जगह रखना चाहिए, बहुत सही जगहों पे कि आप फेशियल करवा रहे हैं कुछ भी, तो वो बहुत ज्यादा चीजें लगती हैं, प्रॉब्लम करता है वो। एकदम बात चली तो मुझे याद आया कि यार ऐसा होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे आपके प्रोग्राम के थ्रू जो लोग ऐसे हैं जो देख रहे होंगे तो जरूर नेल कट कर लेंगे एटलीस्ट। तो आप अपने नेल्स नहीं कट करती? मैं कट करती हूँ, मेरे इतने बड़े नहीं है जैसे वो लड़कियां रखती है ना, और मेरा फील कुछ और है। हाँ, आपको तो रखनी भी चाहिए, अगर रखे तो कोई इशू नहीं, नहीं है ना, इन्हें किसी से ज्यादा इन टच नहीं होना ना, इन टचिंग नहीं है जी, सही। और बाकी ये कि अभी आपने मुझसे ड्रेसेस का पूछा था, कलर्स की बात करी थी, मुझे याद आया अभी रिसेंटली ना हम लोगों ने मिक्स टाई एंड डाई के शेड्स बनाए, डाउन ये जो मेरे दामन साइड होती है उसमें टाई एंड डाई बहुत चल रहा है, और ये काफी इन है डिफरेंट ब्रांड्स में भी आप देखेंगे कि टाई एंड डाई बहुत फैशन में, तो उसकी कुर्तियां बनाई हैं मैंने, तो वो कुर्तियां क्यों नहीं पहनी आपने ये बताएं? वो कुर्तियां क्यों नहीं पहनी वो अब आप अपने कॉलेज को दीजिएगा और आप पहनिएगा। हाँ ठीक है जी, जरूर। और डॉक्टर साइमा आपसे बहुत ही अच्छी बात हुई स्वाइन फ्लू पे, और आपने उसके सिम्टम्स बताए, बचने का तरीका सब कुछ बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ फाइनली कोई अच्छा सा मैसेज दें हमारे व्यूअर्स को, किस तरह से वो बचें, अपनी हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें। मैसेज व्यूअर्स के लिए यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जब आप अपनी हिफाजत खुद करेंगे, आप समझेंगे अगर कोई आपके इर्द गिर्द में बीमार है तो आप उसको बीमार के तौर पे ना लें, उसको इस तरह से नहीं करें कि वो बेचारा शाय फील करना शुरू हो जाए, तो आप ये चीज़ लें कि भाई मैं अगर मैं मेरे घर में मुझे अगर बीमारी है तो मैं किस तरह से केयर करूँगी, तो आप उसको ना कि शाय फील करवाएं बल्कि उसको समझाएं कि देखिए आप इस तरह से करें, आप इस तरह से सही रहेंगे, और उसे बूस्ट अप करें कि आप ठीक हो जाएंगे, आप अगर ये चीज़ लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, आप अगर ये खाएंगे तो ज़्यादा सही हो जाएंगे, तो उसका ख्याल रखें, तो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी मुश्किलात का बाइस ना बने, उनके हंसने का बाइस बने कि उनके चेहरे पे आपकी बात करने से, आपके अखलाक से और आपके मिलने से उसके चेहरे पे खुशी आ जाए। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक न्यू गेस्ट मौजूद होंगे एज यूजुअल, और डॉक्टर साइमा ने स्वाइन फ्लू के बारे में, बीमारियों से बचने के बारे में कितना अच्छा सब कुछ बताया, वो सिर्फ इस वजह से बताया है ना
क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पाकिस्तान इतना तरक्की पसीर मुल्क है, यहाँ बीमारियां भी बहुत ज्यादा हैं, लोग अपनी केयर नहीं कर रहे होते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ कमाने खाने के चक्कर में लगे हुए हैं और अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो ख्याल रखा करें क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नेमत होती है, और अगर हेल्दी हैं आप तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।